और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल वर्चुअल गाइड। यार आज हम आए हैं शिमला हिल के सीन्स देखने के लिए। बेसिकली रमज़ान है तो थोड़ा टाइम पास करना था। मैं गया अपने कजन्स के पास, ये दिया लकी, रफ़ी, हसन एंड ताबिश। ताबिश मेरा कज़न नहीं यार, ही इज़ माई भांजा। और हम इस वक्त शिमला हिल्स आए हैं, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, ये रही, ठीक है। और बाल भाई के आप देख रहे हो आज बड़े उजड़े हुए हैं। उसका रीज़न ये कि हेलमेट पहना हुआ था मैंने, तो हेलमेट उतारा है जिसकी वजह से बाल थोड़े से बिखरे हुए हैं। तो चलो चलते हैं आगे, आपको शिमला हिल के सीन्स दिखाते हैं आज। ये रे जी सारे बॉयज, कि भाई ने हेलमेट पकड़ा हुआ है, हाथ में डंडा है। कहते हैं यहाँ पे अक्सर शेर शूर आ जाते होते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है। शेर काफी नहीं है। हाँ ये जी हमारे मौलाना साहब, मौलाना हसन शाह उर्फ टंकी, ये हमें नमाज असर यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारे माशाल्लाह से ताबी, अगर आपने कोई लंबी लंबी फेंकवानी हो तो जी हाजिर हैं भाई, हाजिर हैं। ये जी शिमला हिल के सीन्स चेक करो यार, जिंदगी के मजे लिटरली। और यहाँ से ना मुझे एबटाबाद का खूबसूरत तरीन व्यू दिखा है, आओ आपको दिखाते हैं। मज़ा आ रहा है यार, मतलब रोज़े में अच्छा बेहतरीन टाइम पास, ना आप किसी को तंग कर रहे हो ना किसी का नुकसान कर रहे हो, और ऐसी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर कर रहे हो। द बेस्ट थिंग इज़ दैट नो पब्लिक, तो आप सुकून से अपने शॉट्स ले सकते हैं यहाँ पे। चलो आओ दिखाऊं, और सीन्स कुछ ऐसे हैं यार। ये जाना है आपके भाई को, यहाँ जाना है ब्लॉग। सा चैलेंज लग गया है ये स्लाइड लेने का, तो चलो हम स्लाइड लेके आते हैं। गाइस सो शिमला हिल बेसिकली मेरे बचपन से ही हम बहुत दफा आए हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन एबटाबाद। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस टाइम आई एम कमिंग लाइक आफ्टर 6 years, और जो माहौल है, जो वाइब्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, दैट लुक्स सुपरबली अमेजिंग। आई एम सो इन लव दिस। थोड़ा सा आपको शिमला हिल के बारे में बताएंगे और कैसे आया जाता है यहाँ पे वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आओ आपको दिखाते हैं। अच्छा यार मामला कुछ इस तरह के, हर जगह पर इस तरह से बैठने की जगह बनाई गई है, डस्टबिन बनाए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली सीन थोड़ा ज़्यादा गंदा दिख रहा है, रीज़न ये कि आजकल तो लॉकडाउन की वजह से सीन सारे ऑफ हैं, लोग आ जा नहीं सकते, दिस एरिया इज़ बीन क्लोज। हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी अपने ब्लॉग के लिए। सो इसी तरह जगह जगह बैठने के लिए शेड्स बनाए गए हैं, बेंचेस हैं, और डस्टबिन की फैसिलिटी हर जगह पर मौजूद है। तो चलें ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के कुछ और सीन्स चेक करते हैं यहाँ के। ये जी हमारे लकी लियाकत शाह टिकटॉक स्टार, अपने टिकटॉक के लिए लोकेशंस पसंद कर रहे हैं। एंड चेक इट आउट यार, मतलब क्या खूबसूरत, लुक सो ब्यूटीफुल यार। शिमला हिल्स के बारे में आपको डिटेल बताऊं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं वो दिखानी बहुत ज़रूरी। मतलब यार इट्स अ ग्रेट फैमिली पिकनिक स्पॉट्स, और ये देखो क्या खूबसूरत, मतलब बारबेक्यू वगैरह के लिए जगह बनाई गई है। एंड यार यहाँ रोशनी ज़्यादा, ये देखो मतलब इस तरह से ट्रंक्स बनाए गए हैं, ठीक है, और ट्रंक्स के अंदर इन्होंने आपके बारबेक्यू के लिए सिस्टम बनाया। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, सोशल मैसेज कि प्लीज़ अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हैं बारबेक्यू वगैरह के लिए, तो डू मेक श्योर कि यहाँ पे कचरा मत फैलाइए यार। दिस इज़ योर ओन कंट्री, योर ओन होम टाउन, मेक श्योर टू कीप रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कीप इट एज ब्यूटीफुल एज इट इज़। नीचे कुछ जाल वगैरह लगे, आई बिलीव कुछ बर्ड्स वगैरह शायद लाने का सोच रहे होंगे या लाए होंगे इन्होंने, फ़िलहाल इधर यहाँ से खाली किया हुआ है। बट वो नीचे भी एक बना हुआ मैं देख रहा हूँ, ये बना हुआ है,
के आगे बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त यार, कांट इवन इमेजिन लगता है। 6 साल पहले जब मैं लास्ट टाइम आया था अपने एक दोस्त के साथ तो इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग था, और आज 6 साल के बाद दिस एरिया इज़ कम्प्लीटली चेंज। सो सैल्यूट टू द गवर्नमेंट, एंड आई होप हमारी पब्लिक इन चीज़ों को समझते हुए इनको ऐसा ही छोड़े जैसा ये है। देखो यार, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। पत्थर बने हैं, लड़कों ने बॉयज़ ने यहाँ पर अपना पड़ाव डाल दिया है, आज अफ्तारी यहीं करने का सोच रहे हैं। ये देखो यार, मतलब बैठो यार, मतलब क्या ज़बरदस्त पत्थर को शेप दे के इन्होंने ये चीज़ बनाई है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत अच्छा। कूद जाए यहाँ से, कूद जाए, शाबाश, कूद जाए। टिकटॉक अल्लाह हिदायत दे सर। आप सर आप आमीन ताबिश थी पाला सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जज़ाकअल्लाह नहीं जी, इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। चलो यार, आपको कुछ और सीन्स दिखाता हूँ मैं, कुछ और सीन्स दिखाते हैं यार। देखो यार, मतलब एक ब्यूटीफुल हाँ यार, ऐसे जंगलात में जाके ना आपके भाई ने कैंपेन करने और सर्वाइवल सीरीज वहाँ पे चलेगी। बस थोड़ा सा टाइम। हैव सम गुड न्यूज़, लेकिन इतनी जल्दी रिवील नहीं करनी, आस्ता आस्ता। तो यार ये देखो, बर्ड्स। ओह दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल बर्ड दैट वाज। सनसनी खेज खबर इसने दी है कि यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, स्टेयर्स यहाँ से ना, और ये जाती हैं ऑल द वे। आप देख सकते हो कम से कम ये 1000 के ऊपर सीढ़ी है जिधर तक आप देखोगे जा रही है। इसके बारे में जी क्या फरमाते हैं पुराने बुजुर्ग? ये कहते हैं कि जो घुटनों के बल इस पे चढ़ के आएगा ऊपर तक तो अच्छा। उसकी मनपसंद शादी होगी। क्यों कारी साहब ऐसी बात है? ओके गाइस, दैट वाज जस्ट जोक। कोई सीरियसली मत चढ़ जाना यार ये सीढ़ियाँ है, पता चले घुटने भी नहीं रहे और मनपसंद लड़की भी नहीं रही। आप देख रहे हो ना, ये सारे पाइन ट्रीज को ये ब्लैकआउट किया हुआ है। एक्चुअली इनको जलाया जाता है क्योंकि इनमें से निकलती है ग्लू, तो वो ग्लू जो है ना निकले। सब के सब जितने भी आप देखोगे, देखो एंड तक सभी को नीचे से जलाया गया है। और वो बड़ा वाला जो है ये देखें, इसको जलाया जाता है ताकि इससे जो ग्लू निकलता है वो ना निकले। भाई ये एक और सेक्शन है यहाँ का जहाँ पर आपको ये झूले वगैरह स्लाइड्स वगैरह मिलते हैं, एंड दैट्स ऑल फ्री ऑफ चार्ज। अब आई डोंट नो कि यहाँ पे जो स्लाइड्स थी वो कोई उतार के लेके गया है या गवर्नमेंट ने खुद उतारी, क्योंकि एक भी नहीं लगी हुई। आई बिलीव सो एंड आई होप सो कि गवर्नमेंट ने खुद उतारी हो।
तो ब्लॉग मुझे पता है मैंने बहुत छोटा सा रखा है, उसका रीज़न ये कि आज प्रॉपरली शिमला हिल नहीं खुला हुआ और द रीजन्स आर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन उस तरह से नहीं है यार, रमज़ान, और रमज़ान में इस टाइम पे वैसे भी कोई नहीं निकलता, हम लोग तो वैसे ही निकले थे थोड़ा बाल बाल सेटिंग करवाने के लिए, तो हमारा मूड हो गया ये थोड़ा सा ब्लॉग करने का। एंड होपफुली हम रमज़ान के बाद फिर से आएंगे यहाँ पे, एक बाबी की पारी करेंगे और प्रॉपरली शिमला हिल को एक्सप्लोर करेंगे और आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। तब तक के लिए यू नो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, सम अदर ब्लॉग, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दिस इज मोहसिन अली विद द बॉयज साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if